आपको का टाइम्स की विशेष पेशकश आप लोगों का अपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 1 जुलाई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबर। रामेश्वरलाल रूडी के जन्म दिवस पर युवाओं ने किए सामाजिक कार्य, 202 यूनिट रिकॉर्ड रक्तदान किया, 21 युवाओं ने नेत्रदान का संकल्प लिया और हर गांव में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। रामेश्वरलाल डूडी से केक कटवाया युवाओं ने, उनकी जीवन यात्रा पर स्मृति चिन्ह भेंट किया, नागरिक विकास परिषद ने भी सम्मान किया। डूंगरगढ़ में दिन दहाड़े युवक को चाकू मारा, घायल युवक को बीकानेर रेफर किया गया। के पुलिस जवान और कोरोना योद्धा प्रकाश चंद्र लुखा के दोस्तों ने उन्हें अनोखे अंदाज में आज श्रद्धांजलि दी। यारी अगेन गीत को आज लॉन्च किया गया। आज बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव 13 केस नए आए, मास्क पहनना अनिवार्य हुआ, आंकड़ा पहुंचा 347 पर। ये थे आज के मुख्य समाचार। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वरलाल डूडी का ग्लैमर श्री डूंगरगढ़ में उनके समर्थकों पर आज सर चढ़कर बोला। क्षेत्र के युवाओं ने यूथ कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष हरिराम बारा की अगुवाई में डूडी के 58वें जन्मदिन पर सेवा कार्यों में अपनी सारी शक्ति झोंक दी। यूथ कांग्रेस के बैनर तले श्री डूंगरगढ़ कस्बे के नागरिक विकास परिषद भवन में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में सुबह 8 बजे से ही युवाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई एवं कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए युवा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। युवाओं का उत्साह उस समय और अधिक बढ़ गया जब रामेश्वरलाल डूडे स्वयं युवाओं के बीच शिविर में पहुंचे। निर्धारित समय 2 बजे तक 202 युवाओं ने रिकॉर्ड रक्तदान किया। युवाओं में उत्साह का आलम यह रहा कि 272 युवाओं ने निर्धारित समय में रक्तदान करने के लिए पंजीयन करवाया था, लेकिन ब्लड बैंक प्रीमियम द्वारा ही आखिर उन्हें मना किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष सहित उनकी टीम के 21 युवाओं ने नेत्रदान करने का संकल्प भी लिया। हर गांव से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण के कार्यक्रम संपन्न किए। बाना ने बताया कि सभी पौधों के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं एवं लगाए गए पौधों का संरक्षण का जिम्मा भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उठाया जाएगा। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बलराम दूधी, गोपाल तायर, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वरलाल जाखड़, मनीष जाखड़, गंगाराम गोधारा, विनोद गोधारा और प्रकाश डोबीवाल, विकास गोधारा, पूर्व सरपंच मुखराम मेघवाल, रामकरण दूधी, बाबूलाल चोटिया, मियाराम चोटिया, शुभम शर्मा, ओम प्रकाश पूनिया, डूंगर कॉलेज बीकानेर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अशोक बुढ़िया, राम प्रताप डेले, ओम प्रकाश जाखड़, रामलाल नाहर, गोपाल सिंह राजपुरोहित, रामलाल जाखड़, मोहम्मद ताहिर, शकील भाटी, येताम बुढ़िया, हनुमान खिलेरी आदि ने शिविर की सभी व्यवस्थाओं को संभाला। शिविर के दौरान नागरिक विकास परिषद द्वारा मास्क का वितरण भी किया गया। डूडी के श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर युवाओं ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया। नागरिक विकास परिषद भवन में आने पर परिषद के अध्यक्ष श्रवण कुमार गुरनानी, आजीवन सदस्य तुलसीराम चोरलिया ने उन्हें शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहात जिला अध्यक्ष हरिनाम बाना की अगुवाई में डूडी से केक कटवाया एवं लेखराम डेलू ने डूडी की जीवन यात्रा पर एक प्रेरणा स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस दौरान युवाओं ने उत्साह के साथ डूडी के साथ सेल्फियां भी खींची। डूडी ने रक्तदान करने वाले युवाओं को समाज का हीरो बताते हुए समाज कल्याण एवं किसान कल्याण के लिए राजनीति में सक्रिय रहने की अपील की। डूडी ने युवाओं को ही क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य बताया एवं संगठन में आगे बढ़ने वाले युवाओं को बुजुर्गों के आशीर्वाद को ही संगठन की ताकत भी बताया। डूडी के साथ शिविर का अवलोकन करने के लिए श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारीलाल मैया, जिला प्रमुख सुशीला सिंह, कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, यूथ कांग्रेस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष विष्णुराम सिंह आदि भी शिविर स्थल पर पहुंचे। स्थानीय नेता पूर्व सरपंच ओम प्रकाश मेघवाल, दानाराम भादुर, रामकरण गोदारा, हीराराम मेघवाल, सरपंच गोविंद राम मेघवाल, जसवीर सारण, सुरेश खेरिया, कांग्रेस नेता मोहनलाल भादू आदि भी शिविर का अवलोकन करने पहुंचे एवं युवाओं के सेवा कार्यों की भूरी प्रशंसा कर कस्बे के सर्वाधिक व्यस्त इलाके में शामिल पंचायत समिति एवं उपखंड कार्यालय के बीच की गली में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब वहां पर एक व्यक्ति ने एक युवक पर दिन दहाड़े चाकू से वार कर दिया। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया
कि पंचायत समिति की दुकानों में अपनी स्टेशनरी की दुकान करने वाले गांव उदरसर के शीशपाल बोगारा पर उसी के गांव के युवक प्रभु दयाल बोगारा ने बुधवार शाम करीब 7:45 बजे चाकू से हमला कर दिया और हमले में शीशपाल के हाथ और पेट पर चोटें आई। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में खबर लिखे जाने तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। क्रियासन निवासी पुलिस जवान और कोरोना योद्धा प्रकाश चंद्र लुखा के असमय दुखद मृत्यु के बाद उनके मित्रों ने आज उन्हें अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। बता दें मई माह में लुखा का निधन सेसोमो स्कूल के पास एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। गांव तोलियासर के यूट्यूब स्टार सुमित सिंह राजपुरोहित ने अपने चैनल सिकंदर फिल्म्स पर गीत यानी अगेन को आज सुबह 9 बजे रिलीज किया। गीत का निर्देशन राजपुरोहित ने ही किया है और सभी कलाकार स्थानीय है। स्थानीय लोगों का काफी स्नेह इस गीत को मिल रहा है। 13 कोरोना पॉजिटिव नए केस सामने आए। लसत विभाग का भी एक कर्मचारी पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि रात 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू के आदेश हैं और इसकी सख्ती से पालना कराई जाए। प्राय देखने में आया है कि लोग मास्क के विकल्प में गमछा सिर पर रखते हैं। गौतम ने कहा कि पुलिस को देखते ही गमछा मुंह पर लगा लेने वाले लोगों को यह एक बैड प्रैक्टिस है और कोई अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में कर्फ्यू के दौरान पुलिस दल गश्त पर है और अकारण घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमार पाल गौतम ने कहा कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। यदि कोई रात के समय पार्कों पर बैठे या सड़कों पर घूमते पाया गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक आपराधिक सांस्कृतिक सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।